नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता और प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में शामिल करेंगे हम आपके सवालों को, हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के ट्विटर पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट उसमें आपकी मदद करेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार मार्केट पर नज़र डालें तो बाज़ार में शानदार तेज़ी, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले। 22,600 के ऊपर सेंसेक्स निकला है, उसके बाद हालांकि आज दायरे में कारोबार हो रहा है लेकिन अच्छी मजबूती के साथ अभी भी टिका हुआ है मार्केट ऊपरी स्तरों पर और सेंसेक्स में भी करीब 364 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आज सपाट कारोबार हो रहा है और करीब 35 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,500 के ऊपर, लेकिन टिके रहने में कामयाब है हरे निशान में। आज सपोर्ट मिल रहा है M&M से, आयशा, टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी और रिलायंस से आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जिसके चलते आज हम ये मजबूती देख रहे हैं निफ्टी में। वहीं गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, UPL, अदानी एंटरप्राइजेज में आज कमजोरी है। तो बैंकिंग शेयरों से इतना ज़्यादा कुछ सहारा नहीं है लेकिन कुछ हैवी वेट काउंटर्स जैसे कि ऑटो स्टॉक्स की बात करें, रिलायंस, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ से आज काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव ही है, ज़्यादातर शेयर्स अभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, 1200 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी आज शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर इन दोनों इंडेक्सेस पर नज़र डालें तो मिड कैप इंडेक्स में करीब 150 अंकों की बढ़त और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 150 अंकों की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी, ऑटो, ये तमाम सेक्टर्स आज चल रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकारी बैंकों से ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी इतना उछाल नहीं है, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पा रहे लेकिन दूसरे सेक्टर्स में हम शानदार मजबूती देख रहे हैं। तो ये है इस वक्त का मार्केट का ओवरऑल सेटअप। अब एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे अपने साथ और हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जी और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सौरभ जी, क्या नज़रिया बन रहा है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल रही है और 22,600 के ऊपर जो मार्केट निकला उसके ऊपर अभी टिके रहने में कामयाब है, यहाँ से मार्केट की चाल आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार पूजा जी, देखिए बाजार में काफी मजबूती दिख रही है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लो है वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि इस साल में जितनी भी वॉलिटिलिटी थी वो छोटे और मझोले शेयरों में थी, जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर तकरीबन स्ट्रेंथ ही रहा है। मुझे लगता है जो सेक्टर एट प्ले रहेंगे वो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, होटल्स, इसके अलावा मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर और थोड़े से IT के क्षेत्र भी मुझे लगता है पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं। लार्ज कैप की तरफ ज्यादा ध्यान लगाएं, मुझे लगता है कि जिस तरह से नंबर अभी आने शुरू होंगे और जैसे जैसे नंबर आएंगे तो बाजार का और जो है आगे का व्यू और क्लियर होता जाएगा और हम बाजार में स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आते हुए देखेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पर जो है बाजार की चाल इस पूरे हफ्ते देखनी होगी और हमारे दर्शकों ने भी सवाल भेजने शुरू कर दिए हैं और दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। तो आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं, इस वक्त यूट्यूब पर भी लाइव आपको देख सकते हैं और आपके सवाल एक एक करके जो है वो हम शामिल करेंगे। वंदना झा हमारी एक दर्शक है। राजेश, टाटा टेक एवरेज कॉस्ट है इनकी लगभग, ये बता रही हैं 1221 एवरेज प्राइस है इनकी है। अब आगे और क्या एवरेज करना चाहिए और कितना लंबा रुकना चाहिए, इनका सवाल है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में मिलाने के लिए। टाटा टेक के बारे में मैं बताऊंगा कि एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक है तो इसमें टेक्निकल डेटा ज्यादा नहीं है, बट रिसेंटली हमने देखा कि एक बॉटमिंग आउट साइंस बन रहा है और लोअर लेवल्स के साथ लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। रिसेंटली लास्ट वीक स्टॉक न्यूज में भी था, एक न्यू JVK रिलेटेड, और लोअर लेवल्स पे एक वॉल्यूम फॉर्मेशन डेफिनेटली बन रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे कि
स्टॉक जो है यहाँ से अपसाइड ही दिखा सकता है। जो ट्रेडर के जो बाइंग प्राइस है वो रीअटेम्प्ट होते हुए देख सकते हैं, एंड वापस से 2000 से 1300 स्टॉक में देख सकते हैं, डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो रिसेंटली 1050 का एक अच्छा खासा स्विंग लो बना है, तो 1050 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। आने वाले सेशंस में 1250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। अगले कॉलर को जुड़ते हैं, प्रतीक गुप्ता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्रतीक, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी, पूछे क्या जाना चाहते हैं? जी, मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 70 शेयर्स हैं, उनके भाव में लिए हुए। 120 ना? जी ठीक है। तो नजरिया कितने दिन तक? मेरा अभी शॉर्ट टर्म का ही है, 2 से 3 महीने का। ठीक है। 2 से 3 महीने का नज़रिया फिलहाल इनका आता हुआ, और इस स्टॉक में देख रहे हैं कि इनके भाव से थोड़ा नीचे स्टॉक, हालांकि ज़्यादा नुकसान इस वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 2 से 3 महीने के लिए क्या बेहतर संकेत मिल सकते हैं? राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए, अपोलो माइक्रो 120 की खरीद है, 2 से 3 महीने के लिए आपकी राय क्या होगी? अभी रिसेंटली अगर देखें तो मार्केट बाउंस बैक बाउंस के साथ इसमें भी एक लोअर लेवल से बाइंग हमें देखने को मिली है, बट रिसेंटली हमने देखा कि ये जो स्टॉक है सर्किट के साथ नीचे गिर रहा था, तो जनरली ऐसे स्टॉक्स जो है अवॉइड करने चाहिए। बाउंस में डेफिनेटली आप 125-130 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी की रेजिस्टेंस की रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो 125-130 ये इनके बाइंग प्राइस के ऊपर है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ठीक है, अपोलो माइक्रो में प्रॉफिट बुक करने की सलाह। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राकेश जी। राकेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है राकेश जी, सवाल लेके अपना। हेलो, मेरा सवाल SBI को लेकर है मैम। मेरे पास SBI के मैम 50 शेयर है मैम, 750 के रेट पे, तो मैं SBI पे कुछ लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये राइट टाइम है सर? मैम, और मैं इसका, मेरा व्यू 3 इयर्स का है मैम, और दूसरा मेरे पास वरुण बेवरेजेस 1250 का रेट पे है मैम, उसमें मैं कुछ लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड किया जाए। 1250 पे, ठीक है, ओके, चलिए आपको गाइड करते हैं। दोनों स्टॉक में आपको हल्का मुनाफा हो रहा है। जी, अभी फिलहाल आपके दोनों दो ही सवाल ले पाएंगे, क्योंकि और भी दर्शक हैं हमारे साथ कनेक्टेड। SBI और वरुण बेवरेजेस दोनों में हल्के मुनाफे में हैं, और सौरभ जी ये और ऐड कर सकते हैं, SBI में भी लंबा नज़रिया है 3 साल का, और वरुण बेवरेजेस की भी बात करेंगे तो ये इन्होंने 1250 पे लिया था और 1400 के आसपास अभी स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्टॉक सिलेक्शन दोनों कैसे हैं और दोनों को ही लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए? मुझे जी, जो इन्होंने राकेश जी ने स्टॉक सिलेक्शन किया है बहुत ही अच्छे हैं। जो बैंकिंग क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है, PSU बैंक क्षेत्र ऐसा लगता है अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा रहेगा, और SBI एक बहुत अच्छी इन्होंने चयन किया है। 550 पे इन्होंने ले रखा है, तकरीबन अभी 750 रुपए का भाव है। मैं कहूंगा कि जो ये एडिशन करना चाहते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसमें जरूर ऐड कर सकते हैं। अगले 2-3 साल में जिस तरह से नंबर्स बैंक के आ रहे हैं और जिस तरह से आगे आउटलुक लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप आएगी, जो स्पेंडिंग आएगी, जो कैपेक्स होगा, उसका खासा फायदा SBI जैसे कंपनी को आते हुए मिलेगा, तो 2-3 साल के लिए बिल्कुल अच्छा चयन है। वरुण बेवरेजेस ने आपने एक ऐसी क्लॉथिंग कंपनी है जिसने बहुत ही विस्तार किया है, एक लाइसेंसी प्लेयर है पेप्सिको का, और जगह जगह इन्होंने बहुत प्लांट्स लगाए हैं, और नॉर्थ में, साउथ में, और चिप्स मेकिंग में काफी अच्छे इन्होंने ग्रोथ देखी है, और नंबर्स भी वैसे ही आ रहे हैं, इसीलिए वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है। वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा महंगा लगता है। मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा इनको करेक्शन पे स्टॉक मिले तो वहां वहां ऐड करते चले, 2-3 साल के लिए दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे। अगले दोनों ही स्टॉक सिलेक्शन आपके अच्छे हैं, आप चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं या फिर करंट पोजीशन को भी होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाजार इस वक्त नजर डालें तो अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 22,624 के पास कारोबार कर रहा है और रिकॉर्ड लेवल्स लगातार एक के बाद एक आज के दिन बन रहे हैं। अब देखना होगा कि ये तेजी कितनी टिकाऊ होती है, लेकिन ओवरऑल जैसे कि हमने आपको सुबह भी बताया था कि मार्केट जो मोमेंटम है वो कुल मिला के पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है अभी के लिए। जो भी होल्डिंग्स नज़र आ रही हैं FIIs की तरफ से, रिटेल की तरफ से, DIIs की तरफ से, होल्डिंग सभी की सभी पॉजिटिव ही हैं, एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। और अब हम नतीजे भी शुरू होने वाले हैं, चुनावी सत्र में भी अब हम एंट्री कर चुके हैं, तो इन सब का भी इम्पैक्ट आगे बाजार पर रहेगा। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं नज़र आ रही है, धीरे धीरे करके मार्केट चल रहा है जो कि अच्छी बात है। और निफ्टी में इस वक्त हम करीब 110 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है, तो फिलहाल मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है बाजार का। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक को शामिल करेंगे। गुरुग्राम से हमारे साथ गुरुदेव सिंह जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास एक तो अशोक लेलैंड है, 100 शेयर पड़े 168 का, इसका फ्यूचर के बारे में पूछना था। और मैम सेकंड है रेड टेप, तो रेड टेप मुझे मैडम मिर्जा इंटरनेशनल क्या था उसने ये उसके बिहा पे मुझे मिले थे ये रेड टेप के शेयर, इसका क्या फ्यूचर है रेड टेप का? रेड टेप के अच्छा। और अशोक ले लें। रेड टेप अशोक ले लें, ठीक है जी। ठीक है, दोनों स्टॉक पर आपकी आपको राय दिलवा देते हैं। पहले अशोक लेलैंड पे बात करें तो यहाँ पर राजेश जी आप सलाह दीजिए। काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 100 स्टॉक इन्होंने 168 के लेवल्स पे लिया, कल के मुनाफे में है और आज ऑटो स्टॉक्स चल भी रहे हैं। अशोक लेलैंड में अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? तो अशोक लेलैंड अगर आप देखें तो मैच स्विंग लो से जहां पे अराउंड 153 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था वहां से एक वर्टिकल रैली देखने को मिल रही है और काफी अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है वीकली और मंथली चार्ट में। और जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छे बजिंग में है तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। आने वाले सेशंस में एक आउट परफॉर्मर रह सकता है अशोक लेलैंड, जहाँ पे 195 टू 200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए 195-200 इसके टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है सवाल नजरिया अशोक लेलैंड पे। दूसरा सवाल इनका रेड टेप पर भी था। सौरभ आपकी क्या सलाह होगी? मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज होकर ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था और इसमें इनको भी कुछ शेयर्स अलॉट हुए थे। सवाल तो पूरी तरह से समझ नहीं पाए कितने शेयर्स हैं, लेकिन आपको कैसी लग रही है कंपनी और आगे के लिए स्टॉक प्राइस क्या नजरिया बन रहा है आपका रेड टेप पर? देखिए डीमर्ज हुए मुझे लगता है अभी एक साल भी नहीं हुआ, तकरीबन 400 रुपए पे शायद अलग हुआ था, तकरीबन 700-750। कंपनी के जो नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे ग्रोथ नंबर आए थे, सितंबर क्वार्टर में शायद इतना तकरीबन 300-400 करोड़ का सेल था, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में एकदम से बड़ा, थोड़ा सीजनैलिटी भी प्रिवेल करता है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे महंगा लगता है। 21 टाइम्स की बुक वैल्यू चल रहा है, हाई पी स्टॉक है बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ जो कंपनी ने देखा, मुझे लगता है धीरे धीरे आपको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी है, लेकिन उस बीच हमारे जो पूरे शो में खास पेशकश होती है उसकी ओर हम रुख करते हैं और यहाँ मैं बात कर रही हूँ ऑप्शंस के चैंपियन की। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के संतोष मीणा जुड़ गए हैं। संतोष हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शंस में आज चैंपियन का नगीना आपकी तरफ से कौन है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो मैंने स्टॉक ऑप्शन के लिए चुना है वो है हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्री। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रिट्रेस किया था और एग्जैक्ट अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के क्लस्टर से बाउंस बैक कर रहा है। आज अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है और आज गैस सेक्टर में वैसे भी हलचल है, तो यहाँ पर 2980 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। करीबन 52 रुपीज के आसपास चल रहा है, यहाँ पर आपको 38 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और 70 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो संतोष यहाँ पर RIL की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 52 पर लक्ष्य 70 स्टॉप लॉस होने वाला है 38 का। संतोष बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको दिए देते हैं, FNO ट्रेडिंग में लगभग 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ कर आर्थिक सलाहकार की सलाह लेकर ही आपको FNO में ट्रेड करना चाहिए। तो अपने साथ जोड़ते हैं हमारे साथ करंट सोनीपत से इस वक्त जुड़े हुए। करण नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? प्रशांत जी गुड मॉर्निंग एंड सारे दर्शकों को 80 नाउ के जितने भी
दर्शक हैं, जो आपके एनालिस्ट हैं, सबको राम राम। राम राम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ही दूंगा, ये जो आपने जो मुहिम चलाई है सबका अधिकार वाली, ये बहुत खास है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हौसला अफजाई के लिए। मेरा एक क्वेश्चन था, आपके जो एनालिस्ट आते हैं बसीन जी, संजीव बसीन जी, 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 उनको आप दो या तीन बार कम से कम दिन में बुलाएं। एक रिक्वेस्ट है जी, जी, जी। दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उनको कहिए, करण जी का फोन आया था कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे, प्लीज आप आइए और अपनी एडवाइस दीजिए। जो वो कॉन्फिडेंस जो देते हैं ना हमें, वो एक अलग लेवल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो और ये आप दर्शकों को जिस तरह की सलाह मिलती है और जिस तरह का वो आत्मविश्वास भरते हैं, हमारे पास बहुत सारे दर्शकों की ये रिक्वेस्ट आई है, हमने वो रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाई हुई है, लेकिन उनकी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, फिर भी हम आपकी भी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं। साथ है, सबसे बड़ी कमिटमेंट उनकी हमारे साथ है, जरूर आएंगे। जी जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। एक मेरा क्वेश्चन था, जेपी पावर है 19.75 रुपए पे 2500 शेयर। दूसरा है न्यूरेका, एक NUREC है, जो बसीन जी ने काफी टाइम पहले कहा था, तो उसमें काफी लॉस हो रहा है, तो उसमें एक व्यू चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप उनसे जरूर पूछेगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है ठीक है, न्यूरेका वाली रिक्वेस्ट मैं आगे पहुंचा दूंगा। जेपी पावर और न्यूरेका पे फिलहाल हमारे साथ सौरभ जी बने हुए हैं, उनसे एक राय लेते हैं। जेपी पावर आपने किस भाव पे 19 रुपए के ऊपर खरीदा है ना? करण आवाज आ रही है आपको? जी 19 रुपए के ऊपर खरीदा है ना जेपी पावर? हाँ जी हाँ जी, 19.75 रुपए। ठीक है ठीक है। और न्यूरेका आपने किस पे लिया है? 583। ओके ओके, चलिए इन दोनों पे राय देते हैं। सौरभ जी जरा जेपी पावर पे राय दीजिए, 19.75 रुपए की खरीद है और न्यूरेका में 500 के ऊपर की एंट्री है, जरा दोनों पर विस्तृत नजरिया दीजिए। प्रशांत जी दोनों ही स्टॉक कवर नहीं करते, न्यूरेका काफी छोटी कंपनी है, तकरीबन 270 का मार्केट कैप है और जेपी पावर को कवर नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हमारे साथ इस वक्त एक और गेस्ट बने हुए हैं, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। और इस पर राजीव जी आप बताइए क्या नजरिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करण जी को राम राम, और आप अगर देखेंगे तो जेपी पावर में काफी अच्छा मोमेंट था लास्ट वीक, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, बट ओवरऑल जिस तरीके का लास्ट वीक का जो फॉर्मेशन था, तो वापस इसमें लोअर लेवल्स में आप बाइंग देख सकते हैं। 22 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, वहां पे रीअसेस करना पड़ेगा कि वहां पे कैसे इसमें एक्शन होता है, तो 22 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 22 के आसपास आता है तो वहां पे बुक करने की सलाह होगी। दूसरा स्टॉक का नाम मैं सुन नहीं पाया, तो वापस अगर रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, न्यूरेका पर अगला सवाल था, लेकिन वो भी हमारे डेटाबेस में नहीं, हम ट्रैक नहीं कर रहे उसको, लेकिन करण जी अगर अगले कुछ आगे भी कुछ सवाल हैं आपके, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यूरेका पे फिलहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट और हमारे डेटाबेस में भी नहीं है, हम भी नहीं कवर कर रहे हैं स्टॉक को, तो उस पर आप हम आपको आगे राय दिलवाएंगे आगे के शो में। JSW एनर्जी पर अगला सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, बाबर अली जी का। JSW एनर्जी, इनके पास 100 शेयर्स हैं और 417 रुपए की इनकी खरीद है, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है, 606 पर स्टॉक ये कारोबार कर रहा है, इनकी भी खरीद थोड़े पहले की लग रही है, हालांकि काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही इस तरह के गेन पर नज़र आ रहे हैं। क्या सलाह होगी आपकी राजेश जी, आप सलाह दीजिए JSW एनर्जी, अब अगले टारगेट्स क्या लग रहे हैं आपको स्टॉक पर, और तेज़ी के लिए बने रहे यहाँ पर? काफी अच्छे लेवल्स पे बाय किया, जहाँ पे स्टॉक ने मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली वहीं पे उन्होंने बाय किया है, एंड उसका जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में फर्दर पोटेंशियल भी है, आगे जाके ये 650-660 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बने रहिए, 650-660 पे एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। लाइव दर्शक फोन लाइन पर मुंबई से अब जिग्नेश शाह भी जुड़ गए हैं। जिग्नेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए सर किस स्टॉक में खरीदारी की है, किस नजरिए के साथ? SEPC 17 रुपए में बाय किया है, 10,000 शेयर 17 पे लिया है, 10,000। अच्छा जी, तो बताइए अब तो मुनाफे में है जी, तो कितना रुकना है? हाँ जी, कितना रुकना चाहते हैं जिग्नेश?
मैं 2 से 3 महीने तक सर। मैम 2 से 3 महीने तक का ही आपका व्यू है। चलिए एक बार चार्ट्स चेक कर लेते हैं। राजेश, क्या आप चार्ट्स देख पाएंगे, आपके कवरेज में है सीपीसी? लो वॉल्यूम स्टॉक है और मार्केट के बाउंस के साथ ये बाउंस कर रहा है। लास्ट वीक जैसे देख सकते हैं अच्छा मूव आया था और ये मूव आने वाले सेशंस में 23 के आसपास देख सकते हैं। बट जैसे कहा कि हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, 23 के आसपास बुक करने की सलाह होगी क्योंकि काफी लो वॉल्यूम स्टॉक है। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल आपके स्टॉक पर मिलता हुआ। चलिए कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हेमल शाह हैं और इनका सवाल रिलायंस पे है, 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने शायद प्राइस इनकी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, गलत प्राइसिंग है इन्होंने दी है। रिलायंस पे क्या नज़रिया बन रहा है सौरभ जी? 100 शेयर इनके पास, हालांकि बाइंग प्राइस में थोड़ा कन्फ्यूजन है इनको। देखिए बिल्कुल रिलायंस जैसा स्टॉक तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये आप कई अगले 2-4-5 साल के लिए बिल्कुल अपने साथ रख सकते हैं। कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो काफी अच्छा चल रहा है, चाहे वो न्यू एनर्जी वर्टिकल हो, चाहे जियो प्लेटफॉर्म हो, चाहे उनका एनर्जी बिजनेस हो, सब अच्छे चल रहे हैं और मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग अगले 1-2 साल में शुरू होगा जब कंपनी की और सब्सिडियरी या तो लिस्ट होगी या कंपनी का थोड़ा सा डी मर्जर होगा, तब हम और वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखेंगे। आप इसमें बिल्कुल बने रहे, इसमें बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। आप प्राइस सही से बताते तो शायद और बेहतर नजरिया हम इस पे दे सकते थे।